नमस्कार। सो वैसे तो दो दिन हो गए हैं, कर्नाटका ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खोल चुका है जैसे कि हम सभी जानते हैं, और आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे जो कर्नाटका के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसा मैंने कहा 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, आज तो 17 हो गई है। मैं आपको काम की बातें बताऊँगा, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कर्नाटका ओपन स्टेट है और हम सभी जानते हैं कि इसमें चार तरह की सीट्स होती हैं। तो एक तो प्राइवेट कॉलेज में सरकारी फीस है 1,00,000 रुपये साल की, वो तो आपको ऑब्वियस है कि कर्नाटका के बच्चों को मिलेगी, लेकिन नॉन कर्नाटका के लिए 10,00,000 की फ़ीस की ऑप्शन है। एक अदर कोटा है जो कि 35,00,000 रुपये साल का जाता है, जो किसी भी नंबर पे मिल जाता है, और फिर एक NRI सीटें भी हैं। और यही आप मेजोरिटी सुनते हो, जो कम मार्क्स वाले बच्चों का कन्फर्म एडमिशन हो जाता है बेंगलोर शहर के बहुत अच्छे कॉलेजेस में, लाइक विदेही, अम्बेडकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉजिक कि वहाँ पर ये ऑफिशियल कोटा है, जिसको अगर आप जब भी चॉइस फिलिंग आएगी ना, आप इसको अदर कोटा देखोगे ओके नाम से, तो जब वो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि और वही आपको फ़िलहाल भी फ़ोन आ रहे होंगे कि जी आपको एडमिशन चाहिए तो हम आपको दिला देते हैं, तो मैं आपको बस ये समझाना चाहता था कि वो क्यों मिल जाता है। और कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ना कर्नाटका में कम नंबरों पर सीट पक्का मिल जाती है फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि वहाँ पर बेंगलोर शहर में कॉलेज हैं, सप्तागिरी, आकाश, ईस्ट वेस्ट पॉइंट, MVJ मैंने नाम लिया ही, फेमस BGS, मैंगलोर का फादर मुलर, तो ये सब ऑप्शन है जो कि आपको कह रहे हैं भैया 30-32 लाख रुपए साल की फ़ीस दे दो, मेरे पास पढ़ लो। तो सबसे सिंपल है, 2,500 रुपये का फॉर्म जाता है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जाता, सो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपये है। राउंड वन और राउंड टू ऑनलाइन है। अब ये तो सबको पता है, मैंने बोला ना KEA.KAR गूगल पे करोगे। इस बार बहुत आराम कर दिया इन्होंने फॉर्म भरना, हम अपने स्टूडेंट्स का भरते थे ना जान निकल जाती थी लास्ट ईयर तक, क्योंकि नॉन कर्नाटका में भी क्या, कर्नाटका में ना जी 36 तरह के रूल्स हैं और 36 तरह की रिजर्वेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स में हैं, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, कि फलानी जगह से पढ़े हो तो रिजर्वेशन, रूरल स्कूल से पढ़े हो तो रिजर्वेशन, मैं ना केरला में मछुआरों की है तो रिजर्वेशन। और इसलिए मैंने आपको महीना पहले कहा था कि इंडिया में कॉमन काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसमें बहुत सारी रिजर्वेशन आती हैं। तो काउंसलिंग, कॉमन काउंसलिंग सॉफ्टवेयर ही बनाना मुश्किल है, तो कॉमन काउंसलिंग तो क्या ही कराएंगे। लेकिन अब काम की बातें जो कि ध्यान रखनी है, पहली बात कर्नाटका का ब्रोशर का पेज नंबर 15 पढ़ लीजिए, कर्नाटका में होता हमेशा है ताकि, लेकिन जिसको वो हो ना, कि एक साल का सर्विस बॉन्ड है, चाहे आप सरकारी कॉलेज में पढ़ें चाहे आप रूरल कॉलेज में पढ़ें, ठीक है। मैं पेज नंबर लेता हूं, मैं से ऊपर नीचे हो गया, मैं भी आपको बता रहा हूं, तो ब्रोशर में क्लियरली लिखा हुआ है, मतलब हर बार ही होता है पर मैं आपको, ताकि आप खुद पढ़ लो ना और किसी की बातों में ना हो, एक साल का कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है पेज नंबर 18 में। और आप ध्यान रखिए ये KE के थ्रू है, तो लोगों के सवाल आते हैं सर अगर मैं कर्नाटका की डीम्ड यूनिवर्सिटी में गया तो भी क्या बॉन्ड है, नहीं, ये क्लियरली होता है कि ज़्यादा जो सीट आप KEA के थ्रू ले रहे हो, जो कर्नाटका के स्टेट सरकारी कॉलेज चाहे प्राइवेट कॉलेज, और वो भी KEA के थ्रू, यह एक बड़ी अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाओगे तो ये बॉन्ड लागू नहीं होता है, लेकिन अगर आप KEA के थ्रू ले रहे हो, जो कि कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो कि एक काउंसलिंग क्रेडिट करा रही है, दैट मीन्स कर्नाटका के बच्चों का 85%, उन सबको ये कंपल्सरी रूरल बॉन्ड होता है। और वैसे भी कर्नाटका में तो ये ध्यान रखना, और ये बॉन्ड ना बाय आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्नाटका सरकार ये चाहती है कि आप सर्विस करो, तो कर्नाटका सरकार का रूल ये है कि आपको डिग्री ही एक साल बाद मिलेगी, पहले आपको प्रोविजनल डिग्री मिलेगी, आपका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो होगा ही एक साल के बाद। सो मेरी जो मेरा टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन आपको मिला है, तो जब आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तब तक आई एम नॉट श्योर कि आप PG की सीट में भी अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो एक साल की सर्विस है ना, ये देनी ही पड़ती है और इसको आप बाय आउट नहीं कर सकते, तो ये है सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर। अब इंस्पाइट ऑफ दैट लोग फिर भी कर्नाटका स्टेट कॉलेज के थ्रू जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत शानदार कॉलेजेस हैं, बहुत रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं, और लोग सोचते हैं एक साल की सर्विस दे दें। दूसरा, फर्स्ट राउंड टू राउंड्स में जो भी खास से 10,00,000 की फीस वाले रेंज के कॉलेज हैं, सबकी कट ऑफ 530-540 जाएगी। हाफ ऑफ देम आर रियली गुड क्वालिटी, गुड लोकेशन, बट अदर हाफ जस्ट बिकॉज ऑफ फीस स्ट्रक्चर, मैं ये भी क्लियर कर दूँ। सो अगर आप 10,00,000 के चक्कर में, अब नाम नहीं लेना चाहता, बट टॉप 8 के बाद जा रहे हो कर्नाटका में, और आपको आइडिया लग जाएगी अब बेंगलोर शहर से दूर है, बेंगलोर के अंदर भी हो तो कोने में हो, या बेंगलोर से 10 किलोमीटर बाहर हो, यू शुड क्लियरली थिंक, क्योंकि एक साल का आपको अलग से सर्विस देनी है, ये लोग पे करेंगे बट पे तो नॉमिनल करेंगे,
बट आपका फ्यूचर सारा रुक जाएगा। तो कर्नाटका में आपके 60 लाख लग रहे हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, कहीं आपके 70 लग रहे हैं किसी और स्टेट में, तो मैं वहाँ ले लूँ या 10 लाख बचाने चक्कर में एक साल, वो भी देखिए रूरल सर्विस ना आसान भी नहीं होती करनी, क्योंकि वो असली रूरल एरिया होते हैं कर्नाटका के, और बड़े मुश्किल होते हैं वहाँ पर एक साल सर्वाइव करना। तो लैंग्वेज, फूड और उसके अलावा वहाँ रहना, हर चीज़ अपने आप में बहुत दिक्कत वाली होती है। तो अब तीसरा, लेकिन एक और भी होता है कि जैसे किसी के 350 नंबर है, मैं बस अभी कल संडे का दिन था तो आई हैड 7 मीटिंग्स और हर तरह के लोगों से मैं बात करता हूँ, तो एक वही था कि सर 250 मार्क्स हैं, कॉलेज अच्छा ही चाहिए, हम किसी भी कॉलेज में नहीं जाना चाहते और बजट भी 70 लाख है, 75, क्या करें। तो मैं कहा देखिए जी, हमको चांस लेना पड़ेगा, वो चांस हरियाणा के राउंड 3 में आ सकता है क्योंकि NRI सीट कन्वर्ट होती है, वो चांस जहाँ पर भी NRI सीट्स है वो तेलंगाना आंध्रा में लास्ट में आ सकता है, और मैंने कहा वो चांस कर्नाटक में भी आता है। देखिए कर्नाटक में क्या होता है, हमेशा राउंड 1-2 की आपको कट ऑफ हर जगह दिखेगी, क्योंकि राउंड 3 की कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत सीटें कर्नाटका में राउंड 3 में मॉपअप में आती हैं। उसका कारण ये है क्योंकि सिर्फ 2500 रुपये देने हैं, बैठे बैठे ऑनलाइन देने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम केरला, तो जो भी जैसे नॉर्थ इंडिया का बच्चा भाई 540 नंबर वाला था, इधर से कर्नाटका भरा भर दिया, उधर से जॉली ग्रांड भर दिया, सरकारी भी ट्राई कर रहा है, 580 नंबर वाला अपने स्टेट में सरकारी ट्राई कर रहा है, कर्नाटका भर दिया, अपने स्टेट के राउंड 2 में सरकारी मिल गया है, रिपोर्ट भी करने वाला है, फिर भी बच्चों को पता नहीं क्या मजा आता है कर्नाटका का पोर्टल खोल के राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग कर देंगे और सीट को ख़राब कर देंगे। सो समटाइम ना कर्नाटका में चूंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 2 में नहीं है, तो राउंड 2 में बहुत सीटें वेस्ट होती हैं और वो मॉपअप में आती हैं। अब स्टेट राउंड मॉपअप 3 इज़ वेरी लेट, जब तक आता है, और मैं फिर से मैं उसको अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, कल ही मेरे पास कई लोग आए, सर राउंड 2 के बाद तो हमें वेट करना ही नहीं है, सर हम तो कोशिश करेंगे सर, मतलब एक मेरा चल रहा है, सर डीम्ड राउंड 1 ही चाहिए सर, मेरे को तो रिस्क ही नहीं लेना। मैं समझाता हूँ कि भाई रिस्क नहीं है, देर आर ग्रेट स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस। उसके बाद चलो सर आपकी बात मान ली, लेकिन ना डीम राउंड 2 के आगे तो जाएंगे ही नहीं सर। मैं कहा बट डीम राउंड 2 के बाद ही तो स्टेट राउंड 2 आएगा ना, और स्टेट राउंड 1 तो फ्री एग्जिट है यूपी के अलावा, तो कट ऑफ खाम खाम में ऊपर जाती हैं। तो अगर आपके 450 मार्क्स हैं, मैं फिर से भाई ज़्यादातर रैंक के बदले मार्क्स बोलने की, बट आई ऑलवेज टेल यू कि रैंक के हिसाब से एडमिशन होता है। तो मैं कहा वो तो सेकंड राउंड में मिलने की उम्मीद है ना, सेकंड राउंड तो वेट तो करना पड़ेगा स्टेट का, उससे पहले डीम राउंड 2 खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं सर, डीम राउंड 2 में तो चाहिए ही चाहिए। फिर स्टेट राउंड 2, फिर डीम राउंड 3, तो फिर स्टेट राउंड 3 में जब कर्नाटका मॉपअप आएगा तो कौन इंतज़ार करेगा, पर जो इंतज़ार कर जाता है उसकी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि बहुत सारी सीटें आती हैं और यही सीटें आपको कुछ लोग एक तरह से ना जो फ्रॉस्टर्स होते हैं वो आपको इसी सीट का लालच देते हैं कि आपको 100% हम कंफर्म सीट दे देंगे, और आपको वो रोकते हैं, आपको बिठाते हैं कि आप वेट कीजिए, हम आपको कंफर्म सीट देंगे, आपके 300 भी नंबर है, आपको कर्नाटका दिला देंगे, हमें 10 लाख दे दो, हमें 5 लाख दे दो, आप उनको 5-10 लाख रुपये दे देते हैं। मॉपअप राउंड में बेसिकली अगेन इट्स अ ट्रांसपेरेंट मॉपअप राउंड इन बैंगलोर, कोई घपला नहीं होता है, लेकिन अगर आपको अपने आप सीट मिल गई क्योंकि सीट तो बची हुई है तो 10 लाख उनके फ्री के, नहीं मिलती तो आपके 10 लाख वापस कर देते, आप खुश हो जाते हो कितना अच्छा शरीफ एजेंट है, मेरे 10 लाख वापस कर दिए, पर सच्चाई की बात यह है कि उसने कुछ करा ही नहीं। तो बस इस बात का हमेशा ध्यान रखा कीजिए जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी फाइनल करें। ओके, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जैसा मैंने कहा कल भी 7 मीटिंगें हुई थी, अभी भी लोग मिलने आ रहे हैं, हमारी प्रीमियम काउंसलिंग के कुछ स्लॉट्स बचे हुए हैं, हमसे अपनी पूरी काउंसलिंग कराना चाहें या एक आध बार कंसल्टेशन सर्विसेज लेना चाहें, मैंने हमेशा बोला 2500 रुपये फ़ोन काउंसलिंग के, 5000 फेस टू फेस, 9643362320 पे कॉल कीजिए। और एक दो ना मुझे वो भी कॉल आई कि सर आप भी वो फेक यूट्यूबर हो, तो भाई अब चकला यूट्यूब पे सब कुछ बोल नहीं सकते, तो ये जो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन डालूँगा और साथ में हमने कुछ पुराने वीडियोज़ का अपनी कंपनी की वेबसाइट डालता हूँ, मेरी प्रोफाइल देखो, कंपनी की वेबसाइट देखो www.gkworks.in, मेरी प्रोफाइल देखो, वेबसाइट देखो, कंपनी देखो, क्योंकि यूट्यूब पर शायद आपको पता नहीं चलता कि हमारे कितने ऑफिसेज हैं और हम और क्या क्या काम करते हैं। तो हम कोई वो लोग नहीं है जो फ़ोन पे आपके 2500 रुपये मंगा के भाग जाएंगे। देखिए सच्चाई की बात यह है कि मैंने आपको बोला कि समय मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, और बाहर दो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं मिलने के लिए, सो मेरे पास समय लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड समय में वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको जानकारी देता हूँ, कुछ अपना भी प्रचार करता हूँ खुल के बोलूँ, और उसके अलावा फिर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ ना, तो मेरे पास बिना चार्जेस लिए बात करने का समय नहीं है इन 3 महीनों में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप आइए, लेकिन ये जो एडमिशन सीज़न चल रहा होता है, चाहे MBBS इंडिया हम करते हैं, अब्रॉड करते हैं, हम ना नॉर्मल इंडियन एडमिशन्स भी करते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वगैरह के,
तो ये जो जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर आप कह लीजिए या जून से स्टार्ट हो गया था, उसमें मेरे पास समय नहीं होता। तो जो लोग नाराज़ होते हैं उनसे यही मैं कह सकता हूँ, नवंबर दिसंबर जनवरी में आइए, दो एक घंटा बैठिए, दोस्तों की तरह मिलिए, दो दो घंटे इकट्ठे वॉक करूँगा आपके साथ पार्क में, लंच डिनर करेंगे और कोई चार्ज नहीं चाहिए। ऑफकोर्स वहाँ भी मेरे प्रोडक्ट होते हैं चार्जेबल, लेकिन इन तीन महीनों में मेरे पास समय नहीं है बिना फीस के बात करने का। आई होप कि आप समझें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। बाय बाय।